भाई कितना गंदा है भाई। तो कल मैं सोच रहा हूँ कल या परसों इसको क्लीन करूँगा, और मेरा तो क्लीन का जो मैं कैसे करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पंप नहीं है, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे क्या करता हूँ। चलो सी टाटा बाय बाय। हाँ आशी नहीं देख चो बस चो भाई बाय बाय। तो गाइस चलो निकल दो। हाँ हाँ एकदम। तो अभी मम्मी को लेके निकल रहा हूँ, सभी है इधर। देखो गाइस अभी तो घर पे आ गया और कितना गंदा हो गया यार, बहुत गंदा है, तो इसको तो क्लीन करना पड़ेगा। और इधर मम्मी बैठा है और मम्मी का हालत ख़राब, अभी तो बाइक से मम्मी को लेकर आया हूँ, तो अभी खांसी वासी हो गया मम्मी को, ठंड लग गया एक दिन ये। तो देखो यार बहुत बहुत गंदा हुआ है। और इसमें देखो क्या है, सब जगह से फ्रूट भरा पड़ा है भाई, और इधर कुछ और है और इधर फ्रूट भरा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस आज तो जल्दबाजी में निकलना पड़ा क्योंकि मैं सो रहा था, नाइट ड्यूटी था, तो आके उसके बाद अभी तो मुझे जाना पड़ रहा है बारासात क्योंकि मेरा दादी का जो काम है आज मतलब वो सब है, तो सभी मेरे घर में सभी चला गया बारासात काली। तो अभी तो मैं ऑफिस से आके सोया, तो उसके बाद जा रहा हूँ। और देखो अभी 12:30 बज रहा है, तो अभी बहुत धूल मिट्टी हुआ है मेरे बीच में, एकदम लग गया धूल मिट्टी, बहुत गंदा हुआ है यार, तो इसे आके क्लीन करना पड़ेगा। तो अभी जल्द से चलते बारासात जल्दी से, और उधर जाके सब कुछ करके फिर से माँ को लेके आना भी पड़ेगा बाइक पे। अभी तो मैं डबल हेलमेट कैरी कर रहा हूँ। अभी चलो गाइस, अभी बीच को नहीं भागते, रास्ता उतना सही नहीं है, अभी तक सही नहीं हुआ इधर का रास्ता। तो चलते, और देखो मैं ऐसा फुल करके शर्ट पहन लिया, शर्ट आइटम भाई। आज रास्ते पे इतना जैम है कि बहुत टाइम लग जा रहा है। उधर देखो, देख पा रहे हो कि नहीं, प्लेन उतर रहा है, बहुत टाइम लग रहा है भाई आज। दोपहर का टाइम है, बहुत जैम रहता है इधर, ये मुझे पता नहीं था। मैं तो हर वक्त आता हूँ या सुबह या फिर रात को, पर इतना जैम है क्या बोलो। 1 बज जा रहा है देखो, अभी भी 15 मिनट का रास्ता है। अभी तो कॉल आ रहा है बार बार कि कहाँ पे हूँ, तो क्या करूँ, इतना जम रहेगा, नहीं तो मैं पहुँच जाता। अभी तो 40 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाता हूँ हर वक्त, पर इतना जैम है कि 1 घंटा लग जाएगा आई थिंक। भाई इधर सिग्नल है तब भी निकल जा रहा है, क्या बोलूँ इन लोग को। चलो देखते हैं मैं कब पहुंचता हूँ अपना डेस्टिनेशन पे, ठीक ना। देखो फिर से जाम, भाई सिग्नल ही सिग्नल। क्या बोलूँ भाई, इतना सिग्नल और इतना जाम, ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है।
1000 years later. तो गाइस फाइनली 1500 सालों के बाद मैं पहुंच गया बड़ाशाह, और अभी तो हूँ चापाडली, और देखो बाइक कितना गंदा है भाई। तो कल मैं सोच रहा हूँ कल या परसों इसको क्लीन करूँगा, और मेरा तो क्लीन का जो मैं कैसे करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो पंप नहीं है, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे क्या करता हूँ। तो कल या परसों मैं दे दूंगा वो सब वीडियो जिस दिन मैं क्लीन करूंगा। अभी तो बहुत घूम लिया बाइक लेके, बहुत बार इधर आना पड़ा एक हफ्ते के अंदर, उसके बाद फिर से आना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक क्लास स्टार्ट होगा, देन तो मुझे बार बार आना ही पड़ेगा हफ्ते में 2 दिन इधर। देखो कितना जाम है भाई, ये सब बस रुक जाता है रास्ते के मिडिल में और इतना जाम लग जाता है। सब बस की वजह से लेट होता है गाइस। तो अभी चलते इधर से डायरेक्ट अमित को पिकअप करते और फिर से उधर से, मतलब अमित को पिकअप करने के बाद मुझे जाना है अपने मामा के घर, तो मामा के घर चलते हैं गाइस, इधर से ही घुस जाता हूँ ऐसा भाई। तो गाइस चलो अभी चलते इधर से, बैठा बैठा तो चलो। तो फाइनेंशियल इसको मुझे तो ब्रिज पार करना ही पड़ेगा ना, तो चलो। हाँ ना ना इनका ना कोई बात है। तो गाइस चलते अभी इधर से, कितना टाइम लगता है देखते। अभी अमित को पिकअप कर लिया उधर से, मामी को लेकर मैं एकदम घर चला जाऊँगा सीधा डायरेक्ट। अभी चलते के गाचे के गाचे पिछले जाते ना नहीं ना, अभी तो कॉल कोई नहीं कल के से तो बोलूंगा जावे ऐसे लो तो दवारी कल के से। हां हां तो बाइक के नहीं थे। हां बाइक ना थे। हां ब्लैक था। तो गाइस इससे पहले मैं एक वीडियो दिया था, मतलब एक व्लॉग दिया था, एक बाइक डिलीवरी था, वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखो, अगर आप लोगों ने नहीं देखो तो ऊपर आई बटन में देख लेना। तो अभी चलते इधर से डायरेक्ट मेन रोड पे, मेन रोड होके ही मुझे जाना पड़ेगा गाइस, उसको तो मम्मी को लेकर घर पे भी जाना है। चलो सी टाटा बाय बाय। हाँ हाँ आशी नहीं तो चलो बस चलो बाय बाय बाय। तो गाइस चलो निकल दे। हाँ हाँ एकदम। तो अभी मम्मी को लेके निकल रहा हूँ, सभी है इधर, हमारे दिखे हेलो बस। हाँ चलो, तो अभी चलते हैं मेन रोड पे, मेन रोड होके घर की तरफ चलते हैं गाइस, इधर आके सब कुछ हो गया। गाइस अभी तो जा रहा हूँ, इधर प्लेन उड़ता है इस साइड, और एक चीज़ बताता हूँ भाई, राइड करने का मज़ा अपने फैमिली के साथ ही है ठीक है, और अपने मम्मी को लेकर जाने में और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बाइक में, खुद के बाइक में भाई प्राउड फील होता है, देन अच्छा लगता है।
और मैं तो अभी बारिशात आता हूँ तो मम्मी को लेकर ही आता हूँ अपने बाइक पे, और अपने बाइक पे ही लेके जाता हूँ ज़्यादातर। वो देखो ये देखो प्लेन, ये इधर से सब कुछ दिखता है एयरपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है क्या चीज। तो इधर से प्लेन जो लगता है ना एकदम छोटा लगता है, पर है बहुत बड़ा। तो गाइस फाइनली घर पे आ गया, मतलब घर के रास्ते पे ही हूँ। अभी घर में जाके फ्रेश व्रेश होते राधे राधे, तो अभी फ्रेश व्रेश होंगे उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलूँगा, ठीक है। अभी तो दोपहर को गया था और फिर से अभी गया क्योंकि ऑफिस है रात को, नहीं तो आज का दिन उधर रुक जाते। तो ऑफिस में तो जाना पड़ेगा ना गाइस काम पे, देन इसलिए मैं रुका नहीं। देखो गाइस अभी तो घर पे आ गया और कितना गंदा हो गया यार, बहुत गंदा है, तो इसको तो क्लीन करना पड़ेगा। और इधर मम्मी बैठा है और मम्मी का हालत ख़राब, अभी तो बाइक से मम्मी को लेकर आया हूँ। तो अभी खांसी वासी हो गया मम्मी को, ठंड लग गया एक दिन ये, तो देखो यार बहुत बहुत गंदा हुआ है। तो इसे क्लीन करूँगा तो कल या परसों क्लीन करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ बाद में। बाइक को रख दिया थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो गाइस अभी तो नहा धो के आया हूँ, बहुत गर्मी हमारी इधर, तो नहा लिया उधर से आके। अभी तो मुझे और कुछ काम है नहीं, एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद अपलोड करूँगा, उसके बाद काम हो जाएगा। और अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, वेट। और इसमें देखो क्या है, सब जगह से फ्रूट भरा पड़ा है भाई, और इधर कुछ और है और इधर फ्रूट भरा। अभी तो पापा फ्रूट सेल करते हैं ना, आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत सारे व्लॉग में बताया है। तो अभी तो लाइट सही से नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, एक सेकेंड। तो इसलिए जो सब एप्पल है उस स्टोर का एप्पल है तो उसको ठंडे में रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि फ्रिज में सब रख दो, तो रख दिया पापा ने, नहीं तो ख़राब हो जाएगा जब जितना गर्मी पड़ रहा है हमारे इधर। अभी तो कम है, थोड़े दिन पहले बहुत गर्मी पड़ रहा था तब भी रख दिया था, तो ये सब चीज़ होता रहता है, तो इसलिए फिर से रख दिया, अगर ख़राब हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा देन इसलिए। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जो सब करूँगा वो तो आप लोगों को बता ही दिया। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर ये वाला ब्लॉग थोड़ा भी पसंद है एक लाइक करके खुद के दोस्त का शेयर कर देना, और जो दोस्त चैनल में हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखना, तो नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।